आप देखिए किस तरह से ये ब्लास्ट की तस्वीरें हैं जब वहां पर बमबारी की गई। ऐसे में ये अब कहा जाए कि इस तरह से अगर बमबारी होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन कहेगा कि हां हम हार मान चुके हैं। यूक्रेन लगातार अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है क्योंकि रूस उन सारे युद्ध के उसूलों को भूल गया जो एक जंग में होनी चाहिए। चाहे बच्चे हों या फिर आम नागरिक या फिर बड़े या बुजुर्ग, सभी अब रूस के सैनिकों के निशाने पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी अब रूसी सैनिकों के निशाने पर है। कल तो ये भी बातें कहे पुतिन कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब अपना देश तक अब छोड़ दिया, लेकिन ऐसे में उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि नहीं, कीव में ही मैं मौजूद हूं और उन पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मकसद रूस का केवल इतना कि कैसे यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा किया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, एक और बड़ी खबर यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़ी। यूक्रेन के सामने आया एक और नया वीडियो, यूक्रेन का एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो क्या है, इस वीडियो में क्या कुछ है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप ये वीडियो क्या है, बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लगातार नए नए वीडियोस जो वहां से आ रहे हैं लोगों को मारने के, वहां पर जो हमले किए जा रहे हैं। देखिए आप ये टैंक किस तरह से यूक्रेन की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं और कई ऐसे टैंक भी देखे जा रहे हैं जिसका कोई भी रहनुमा नहीं है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो उन टैंकों में बैठकर खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक यूक्रेन की नागरिक ने ये बताया था कि हम किस तरह से रूस के टैंक को चला, ये भी उसने जिक्र किया था। लेकिन यूक्रेन के सामना जो एक नया वीडियो आया, एक किसान रूसी टैंक को खींच कर ले जाते हुए दिखाई दिया। एक किसान देखिए किस तरह से रूसी टैंक को ले जा रहा है। अब इसका इस्तेमाल क्या होगा, क्योंकि ये टैंक युद्ध में इस्तेमाल किया जाना था, या तो इसमें तकनीकी खामियां होंगी या फिर यूक्रेन के सैनिकों ने इस टैंक को तबाह कर दिया होगा, ये किसी काम के नहीं बचे होंगे, इसलिए इस तरह से किसान इसे लेकर जा रहा है। लेकिन जो लगातार हमले की तस्वीरें आ रही है, बख्तर बंद गाड़ियां, चाहे हम टैंक की बात करें या मिसाइल की जो इस वक्त यूक्रेन में तैनात हैं, क्योंकि सैनिकों की मौतें भी लगातार हो रही हैं। ऐसे में दिक्कत वाली बात यह है कि जो वहां पर बड़ी बड़ी जो बख्तर बंद गाड़ियां पहुंच रही हैं, ये गाड़ियां क्या यूक्रेन में ही रहेंगी, क्योंकि कई ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, कई ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो खराब हुई यूक्रेन में। यूक्रेन अब ये कह रहा है कि इसको अब हम खुद बनाएंगे और इसका इस्तेमाल अब करेंगे।